सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट हेमंत फॉर यू चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट हेमंत फॉर यू। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में। जैसे इसका IRCTC का आपका यूजर आईडी होता है, पासवर्ड होता है, ठीक है। तो किसी वजह से अगर आप उसका पासवर्ड भूल गए हैं तो आप उसको किस तरह से यहाँ पर पुनः प्राप्त कर सकते हैं अपने पासवर्ड को, ठीक है। आपको यूजर आईडी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यूजर आईडी भूल गए हैं तो भी आप इसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इसका IRCTC का पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप किस तरह से उसको रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन दिख रहा होगा उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पर आपको रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने IRCTC रेल कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए पूछता है आपको यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो मेरे पास यूज़र नेम है तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम अपना फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपना यूज़र नेम फिल कर दिया है और यहाँ पर पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ। तो उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ फॉरगेट यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो आपको पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर पूछ रहा है इंटर रजिस्टर्ड यूज़र नेम और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल कर देनी है और यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर देना है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिल कर दिया और नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है तो नेक्स्ट पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिख क्या रहा है, वेरिफिकेशन कोड इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना वेरीफाई कर देंगे। तो ओके पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर OTP पूछ रहा है, तो हमको यहाँ पर OTP रिसीव हो चुका है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ OTP दिया हुआ है यहाँ पर 547194। तो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं न्यू पासवर्ड फिल करूँगा और यहाँ पर कन्फर्म न्यू पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर सबमिट पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने OTP फिल कर दिया है, यहाँ पर अपना न्यू पासवर्ड फिल कर दिया है और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया वो फिल कर दिया। नीचे यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है तो उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिख क्या रहा है, योर पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, प्लीज़ कीप योर पासवर्ड सेफ फॉर फ्यूचर यूज़। तो ओके पर हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ओके पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर लॉगिन होने के लिए आ रहा है तो मैं अपना यूज़र आईडी और सेम जो पासवर्ड मैंने अभी बनाया वो यहाँ पर फिल कर दूंगा, जो यहाँ पर दिया हुआ है कैप्चा कोड वो यहाँ पर फिल करके लॉगिन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लॉगिन हो जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर जनरेट पिन करने के लिए आ रहा है तो मैं इंटर पिन पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अपना पिन फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पिन जनरेट कर लिया, सबमिट पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये पूछ रहा है कि अपना पिन है वो याद रखना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से वो उसे आपसे वो पिन पूछेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर भूल चुके हैं IRCTC रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप का पासवर्ड, ठीक है, यूज़र आईडी और पासवर्ड, तो आप किस तरह से उसको रिकवर कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।